हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ इंडिया एप्लीकेशन में जो है किस तरीके से रजिस्टर कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप बैंक ऑफ इंडिया एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं और यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेगा ताकि आप जान सकें कि किस तरीके से जो है आपको यूजर आईडी बनाना है, किस तरीके से आप बैंक ऑफ इंडिया में जो है रजिस्टर कर पाएंगे और उस ऐप को जो है यूज कर पाएंगे। मैं आपको जो है पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आप बैंक ऑफ इंडिया एप्लीकेशन, जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसे किस तरीके से जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं और यूजर आईडी पासवर्ड जो है क्रिएट करके जो है उस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप बैंक ऑफ इंडिया एप्लीकेशन में यूजर आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, किस तरीके से रजिस्टर करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया ऐप को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने डिवाइस पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास जो है ओपन करने के बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए लाइव पे इजी एंड क्विक यहाँ पे लिख के आ रहा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेक्स्ट बटन दिया गया है। इस नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेस का एक बटन आपको दिखेगा, इस प्रोसेस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है कुछ परमिशन मांगेगा, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर देना है, परमिशन को एलो कर देंगे। परमिशन एलो करने के बाद क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सिम चूज करने बोलेगा जिससे जो है आपका बैंक जो है रजिस्टर है बैंक में, जो सिम जिस जो है नंबर से आपका रजिस्टर है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जो है सेंड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सेंड वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास देखिए कुछ इस तरह का लोडिंग का ऑप्शन आएगा। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद देखिए लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो है कुछ इस तरह का जो है एक यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिख के आएगा। देखिए यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऊपर लिखा हुआ है, कंफर्म योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका शो करेगा, जो भी आप सिम सेलेक्ट किए वो वाला मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर शो कर रहा है। तो सिंपली आपको जो है प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक करना है। प्रोसेस वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर यूजर आई डी आपको एक चूज करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपको जो है एक यूजर आईडी चूज कर लेना है। आपके हिसाब से आप यहाँ पे एक यूजर आईडी डाल देंगे और यहाँ पे चेक एबिलिटी में सेंड कर देंगे, चेक एबिलिटी में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक यूजर आईडी चूज कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने एक यूजर आईडी डाल दिया है। अब डालने के बाद जो है यहाँ पे चेक एबिलिटी दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इंटर लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे लिख के आएगा। उसके बाद नीचे देखिए री इंटर लॉगिन पासवर्ड दिया गया है, तो मैं यहाँ पे जो है लॉगिन पासवर्ड को इंटर कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से लॉगिन पासवर्ड इंटर कर लेंगे। जो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि किस तरीके से आपको लॉगिन पासवर्ड लेना है, काइंडली क्रिएट ए 6-डिजिट नंबर। देखिए यहाँ पे 6-डिजिट नंबर आपको जो है लॉगिन पासवर्ड लेना है, और जो कि 0 से लेके देखिए यहाँ पे देखिए शुड नॉट स्टार्ट विथ 0, देखिए 0 में के साथ स्टार्ट नहीं होना है, और यहाँ पे इस तरीके से जो है नंबर नहीं होना है, जैसे कि 219 फिर 219 इस तरीके से जो है जो कि बार बार रिपीट होते हैं उस तरह से जो है यहाँ पे नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको जो है 6-डिजिट यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद और एक यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन डिजिट नॉट अलाउड, 3 तरह जो है कंडीशन यहाँ पे नहीं अलाउड होता है, जैसे 1, 2, 3 उसके बाद 7, 5 दिया गया है, तो इस तरीके से भी नंबर आपको नहीं लेना है। उसके बाद कंटिन्यू इंटरनेशनल डी इंटरनेशनल नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे जो है आप फॉरवर्ड स्लैश एट द रेट इस तरीके से भी यूज नहीं कर सकते, केवल आपको नंबर चूज करना है। 3-डिजिट रिपीट नॉट अलाउड, जैसे कि 888 इस तरीके से, मतलब 3 डिजिट जो रिपीट होता है उस तरीके से भी नहीं डालना है। डिजिट कम्बिनेशन रिपीटिंग 3 टाइम्स नॉट अलाउड, देखिए 2 डिजिट भी जो है 3 टाइम आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 46 46 46 बार बार वही रिपीट हो रहा है 3 बार, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। तो आपको जो है एक अच्छा पिन डाल लेना है अपने हिसाब से, जो है यहाँ पे जो है एक पिन जो है यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे री इंटर करेंगे पिन को। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है।
सबमिट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कस्टमर आईडी, यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी जो है सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर वाला जो कस्टमर आईडी है ये मेरा उस अकाउंट में है जिसे मैं बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट नंबर आएगा, इसे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस अकाउंट नंबर से आप बनाना चाहते हैं उस अकाउंट नंबर को यहाँ चूज कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ पे जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके का जो है एक पॉपअप आएगा, फॉर इनेबल फाइनेंशियल सर्विस कीप रेडी विथ योर डेबिट कार्ड एंड क्लिक प्रोसेस बटन। तो यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस बटन पे क्लिक कर लेना है और आपको जो है डेबिट कार्ड अपने सामने रखना है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आपको मांगेगा, उसके बाद सबमिट करेगा। ये डेबिट कार्ड जब तक आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे इस और सबमिट नहीं करेंगे तो आप जो है ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। आपने तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट कर लिया, लॉगिन पिन आपने क्रिएट कर लिया, उसे आप जो है लॉगिन कर पाएंगे, आप बैलेंस वगैरह भी चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे, लेकिन आप जो है यहाँ पे जो है आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे जब तक आप यहाँ पे डेबिट कार्ड को नहीं जो है अपने अकाउंट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर लेना है। डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन सारा जो है यहाँ पे फिलअप कर देंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मार रहा है, जैसे कि कार्ड डिटेल्स, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और एटीएम पिन, ये सारा जो है इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जब सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे देखिए ओटीपी आ गया है, केवल आपको ओटीपी को वेरीफाई कर लेने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इंटर ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगेगा और ये कंफर्म, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड को जो है कंफर्म नीचे कर लेना है, उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड को क्रिएट करेंगे तभी जो है आप फंड वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये पासवर्ड आपको जो है वहाँ पर इंटर करना पड़ता है और तभी जो है आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है या फिर और भी कुछ सर्विसेज है जिसे आपको जो है करने, जब आप उसे यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगता है, इसीलिए आपको जो है ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेना होगा, तभी जो है आप रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीट होगा। तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना लेना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वन अपर केस लेटर ए टू जेड आप ले सकते हैं, उसके बाद वन लोअर केस ए टू जेड आप ले सकते हैं, उसके बाद वन नंबर कोई एक नंबर आपको लेना है, उसके बाद वन स्पेशल एक स्पेशल करेक्टर आपको यहाँ पे लेना है, और मिनिमम लेंथ जो है एट होना चाहिए, यानी कि आप जो पासवर्ड बनाएंगे वो 8 डिजिट का होना चाहिए, उसमें 8 जो है डिजिट होना चाहिए, और मैक्सिमम लेंथ आप ले सकते हैं 16 डिजिट का। तो इस तरीके से आपको ये सारा जो है जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया, जैसे कि अपर केस लेटर लेना है, उसके बाद लोअर केस लेटर भी लेना है, उसके बाद वन एक नंबर आपको लेना है, एक स्पेशल करेक्टर भी लेना है, ये सारा चीज़ यूज करके जो है आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड को आपको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे जो है आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे एक चूज करेंगे, चूज करने के बाद उसको यहाँ पे नीचे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, देखिए लॉगिन टू एम बैंकिंग इससे लिख के आएगा, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर लिख के आ गया है। तो इस तरीके से जो है आप मोबाइल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उस पर इस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पे आपको एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ, जो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया उसे डाल के यहाँ पे लॉगिन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करेंगे, अब देखिए मैंने जो यूजर आईडी बनाया था और लॉगिन पिन बनाया था उसे यहाँ पे डाल के मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने जो है अपना यूजर आईडी और लॉगिन पिन यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे लॉगिन सिंपली मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ परमिशन मुझे मांगेगा, परमिशन को एलो कर देना है आपको। परमिशन को एलो कर देने के बाद ये भी देखिए मेरा जो है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहां से जो है पासबुक में जाके यहां पे बैलेंस वगैरह अगर चेक करना है तो बैलेंस भी चेक कर सकता हूं, और अगर आपको जो है यूपीआई यहां पे रजिस्टर करना है तो यूपीआई रजिस्टर कर सकते हैं। तो यूपीआई किस तरीके से रजिस्टर करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है,
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। और फंड ट्रांसफ़र किस तरीके से करना है इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।